दोस्तों आज हम बनाने आ रहे हैं मैक्रोनी। ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। दोस्तों इस रेसिपी को आप घर में एक बार ट्राई कर लेंगे, यकीन मानिए बड़े तो बड़े बच्चे तक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका दानिश थोड़ी हिंदी में। दोस्तों मैक्रोनी बनाने के लिए ये हमने लिया है एक बॉल मैक्रोनी पास्ता, और सब्जियों में हमने लिया है एक प्याज मीडियम साइज, दो टमाटर मीडियम साइज, एक छोटे साइज की शिमला मिर्च, तीन हरे मिर्च जिनको हमने कट कर लिया है, और हमने लिया है तीन लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अदरक जिनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और मसालों में हमने लिया है एक मैगी मसाला और एक मैक्रोनी मसाला। मैक्रोनी मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं जल्दी से मैक्रोनी। सबसे पहले हमें पास्ते को बॉयल कर लेना है। पास्ते को बॉयल करने के लिए हम भगोना ले लेंगे और भगोने में ऐड कर देंगे पानी। पानी हमें ऐड करना है तीन बॉल, जैसे कि हमने एक बॉल मैक्रोनी ली है हमें तीन बॉल पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और पानी में खौल आने का वेट करेंगे। ये देखिए पानी में खौल आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, फिर हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक, फिर हम ऐड कर देंगे पास्ता। चलिए अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देते हैं। पास्ता ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हम चला लेंगे। चलाने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक पास्ते को पकने देंगे। पास्ते को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हमें 90% पास्ते को बॉईल करना है। चलिए अब हम 90% पास्ते को बॉईल कर लेते हैं। पास्ते को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद हमें पास्ते को चेक कर लेना है पास्ता अपना 90% पक चुका है कि नहीं। उसके लिए हम पास्ते को चम्मच से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें पास्ते को चेक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों पास्ता अपना 90% पक चुका है। जब पास्ता 90% पक जाएगा तो हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और जो पास्ते में पानी है इसको हम तकरीबन आधा कप निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं आधा कप। पास्ते का आधा कप पानी निकालने के बाद पास्ते को हमें पसा लेना है। पसा के और ठंडे पानी से हमें इसको वॉश कर लेना है। चलिए अब हम इसको जल्दी से पसा लेते हैं। ये देखिए पास्ते को हमने पसा लिया है और इसको ठंडे पानी से हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और ले लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन को गर्म होने का वेट करेंगे। जब फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। चलिए अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने का वेट करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन फाइनली चॉप किया हुआ। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद हल्का सा हम इसको सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज मीडियम साइज। चलिए अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हमें फ्राई कर लेना है एक मिनट तक, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। चलिए हम प्याज को एक मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए एक मिनट तक हमने प्याज को भी फ्राई कर लिया है और प्याज भी अपनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और शिमला मिर्च। चलिए अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। हरी मिर्चें और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इनको भी हम एक मिनट तक पका लेंगे। चलिए अब हम इसको भी एक मिनट तक पका लेते हैं। ये देखिए एक मिनट तक हमने हरी मिर्च और शिमला मिर्च को पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर को भी हमें एक से डेढ़ मिनट तक पका लेना है। हल्का सा हमें टमाटर को सॉफ्ट रखना है। चलिए अब हम एक से डेढ़ मिनट तक टमाटर को भी पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों टमाटर को भी हमने एक से डेढ़ मिनट तक पका लिया है और टमाटर भी अपने हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसे मसाले और नमक। नमक हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और नमक हमने मैक्रोनी को बॉईल करते समय भी ऐड किया था, हमें उसी हिसाब से नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच पिसा मिर्चा, और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पिसे मिर्चे को स्किप कर सकते हैं। पिसा मिर्चा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। चलिए अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच मैगी मसाला। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच मैक्रोनी मसाला। मसाले ऐड करने के बाद मसाले की हमें एक से डेढ़ मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेना है। चलिए अब हम मसाले की एक से डेढ़ मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। मसाले की एक से डेढ़ मिनट भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए पास्ते का पानी। चलिए अब हम इसमें पास्ते का पानी ऐड कर देते हैं। पास्ते का पानी ऐड करने के बाद मसालों की हमें एक मिनट तक और भुनाई कर लेना है। चलिए अब हम इसकी एक मिनट तक और भुनाई कर लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, एक मिनट तक हमने मसालों की और भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच। चलिए अब हम इसमें 3 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर देते हैं। टमाटो केचप ऐड करने के बाद टमाटो केचप को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, टमाटो केचप को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी पास्ता। चलिए अब हम इसमें मैक्रोनी पास्ता ऐड कर देते हैं। मैक्रोनी पास्ता ऐड करने के बाद मैक्रोनी पास्ते को हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए अब हम जल्दी से पास्ते को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मसाले को हमने पास्ते में अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसे ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढक के लो फ्लेम में हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। दोस्तों, मैक्रोनी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ते। धनिया पत्ते ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए अब हम इसे जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते ही साथ फाइनली अपनी मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। अब हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में। प्लेट में ट्रांसफर करते ही साथ देखने में कितनी ही लाजवाब और कितनी ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। दोस्तों, ये सिंपल सी रेसिपी है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। दोस्तों, ये मैक्रोनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।